हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट सॉल्वर। मैं आपको इस वीडियो में सिंपलीफिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन में अच्छे अच्छे लोग फेल हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में लोग बहुत से लोग कन्फ्यूज हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छे अच्छे लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे, तो चलिए मैं आज इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या है कि अच्छे अच्छे लोग फेल हो रहे हैं। ठीक है, किसी का आंसर माइनस वन आ रहा है, किसी का आंसर वन आ रहा है, किसी का आंसर सी वाला आ रहा है, किसी का आंसर डी वाला। तो इस क्वेश्चन में अच्छे अच्छे लोग फेल हो रहे हैं और कन्फ्यूज हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देने वाला हूँ एक थोड़ा सा, कि मल्टीपल में क्या होता है कि प्लस मल्टीपल और प्लस होता है प्लस, माइनस मल्टीपल माइनस होता है प्लस, माइनस मल्टीपल प्लस होता है माइनस, प्लस मल्टीपल माइनस होता है माइनस। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन के लिए आपने एक चीज़ जान, आपको पता होगा कि बोर्ड मास। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बोर्ड मास के आधार पर हम करेंगे, बोर्ड मास के बेस पे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपको पता होगा कि बोर्ड मास क्या होता है। तो बोर्ड मास पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, बोर्ड मास बी से हमारा होता है ब्रैकेट। ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट हमारे ब्रैकेट कितने होते हैं, थ्री होते हैं। ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट, माइनर ब्रैकेट और एक होता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है स्टूडेंट, एक होता है हमारा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, ओ से होता है हमारा ऑफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं का। ठीक है, डी से होता है डिवाइड, डी से होता है डिवाइड। एम से होता है मल्टीपल। ठीक है स्टूडेंट, ए से होता है ऐड और एस से होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसी बेस पर करने वाले हैं इस सवाल को। तो सवाल को पहले नोट करते हैं, फोर ब्रैकेट के अंदर थ्री पावर टू ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड ब्रैकेट के अंदर माइनस वन इंटू सिक्स। ठीक है, तो हम इस सवाल में पहले क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, अगर कोई ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट के सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट वाले को करेंगे, तो ये इसको लिखेंगे फोर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस थ्री की पावर टू है स्टूडेंट, तो माइनस थ्री की पावर टू इसका मतलब क्या है, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, मतलब माइनस थ्री कितनी बार रिपीट हो रहा है, टू बार। तभी मैंने यहाँ पर देखिए बताया था कि माइनस थ्री की पावर टू है, तो मतलब माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री। तो यहाँ पर देखिए तो माइनस इंटू माइनस, माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, तो थ्री थ्री या नाइन, तो ये किस में हो जाएगा, ये प्लस का ये नाइन हो जाएगा डिवाइडेड। ठीक है, ये माइनस वन है, तो इसको जब खोलेंगे, इस ब्रैकेट को जब कैंसिल करेंगे तो माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीपल में 36 है। ठीक है स्टूडेंट, इस ब्रैकेट भी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देने वाला हूँ स्टूडेंट, कि किसी भी ब्रैकेट के बगल में अगर कोई संख्या होता है तो संख्या और ब्रैकेट के बीच में मल्टीपल का साइन होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 4 इंटू नाइन डिवाइडेड माइनस वन इंटू सिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू नाइन क्या होगा, 36 है स्टूडेंट। ठीक है, माइनस वन का इंटू 36 में क्या करेंगे, तो माइनस का 36 है स्टूडेंट। अब ये देखिए डिवाइड में है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 36, ये डिवाइड में, तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 36। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, अब ये देखिए 36 से 36 चला गया वन बार। ठीक है, तो वन बार चला गया तो क्या बचा, ये 36 से कितनी बार चला गया, वन बार, तो माइनस का वन ही तो बचा स्टूडेंट। तो इसका जो आंसर होगा ये फर्स्ट वाला होगा स्टूडेंट, इसका क्लियर आंसर जो है फर्स्ट वाला होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो।